the bell icon for no. आपने मैसेज भेजा था बस ये बंदे जो है इंसान यही है भीम बस यही है हम नहीं अरे ये हर जगह पहुंच जाते हैं हर जगह पहुंच जाता है ओके तो फिर हम नहीं कब कब वन सेकंड होल्ड ऑन मैं बताती हूँ इसकी बैक स्टोरी ओके बस बस हो गया करे एक सेकंड इसने ना मैं इसको 6 महीने से देख रही हूँ 6 महीने में तीन नो बच्चा सब रिकॉर्ड हो रहा है सब इसी जाएगा तेरा थंबनेल में जाएगा तेरा ओके कर ही रही हूँ हो गया है बट यार इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इन्होंने गाया है तो आप इनसे पूछे सॉन्ग नहीं है बेबी है मेरा उसको वैसे ही रखा है और स्वीट है जो नेचुरल मेलोडी होती है वही आपको दिखा रहे हैं और वैसे ही है ताकि आपके चेहरे पर स्माइल आए जो देखे उसके ऊपर स्माइल आए और कुछ सिंपल एंड साइन साथ में शी इज़ माय सिस्टर नेहा मल्होत्रा उसने फीमेल लिरिक्स और जो पूरा फीमेल वर्स उसने गाया था सी दिस इज माई सेकेंड सॉन्ग और मैंने बहुत आई हैव बीन वेरी पिकी अबाउट ऑल माई सॉन्ग्स एंड द ओनली रीजन आई टुक दिस सॉन्ग वॉज बिकॉज इनकी आवाज़ पर्सनली बहुत अच्छी है एंड द सॉन्ग इज वेरी स्वीट यू नो आजकल जितने भी गाने मोस्टली बने दे ऑल वेरी पेप्टअप एंड यू नो वेरी बहुत ज़्यादा दिए दे आर टू लाउड एंड दिस वॉज लाइक अ स्वीट एंड अ सॉफ्ट नंबर सो विच वॉज अ लिटल डिफरेंट तो इसलिए मुझे वही एक चीज़ जो अट्रैक्ट की थी जब मुझे गाना ऑफर किया गया ये ट्रेंड अभी चल रहा है तो आई वुडंट से कि मतलब कि ट्रेंड एकदम चेंज हो गया ट्रेंड चल रहा है ऐसा नहीं है कि सॉन्ग्स आ गए तो अब सिर्फ सॉन्ग्स ही चलेंगे बिकॉज बॉलीवुड और टेलीविजन सालों से रहे गाने आते जाते रहते हैं पर बॉलीवुड और टेलीविजन सालों से है बट हाँ ये ट्रेंड चल रहा है आई थिंक सभी को इस ट्रेंड का फ़ायदा अभी उठाना चाहिए मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं मुझसे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देखने नहीं होता है इन दोनों से पूछिए कौन है टाइम मिलता है देख रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला बहुत पसंद आ रहा है हम एक लेजेंड बनने के जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ हमारा वेंचर है एक प्रोजेक्ट का भी यहाँ पे लॉन्च हो रहा है और हमारे प्रोजेक्ट का भी लॉन्च हो रहा है बचपन से मेरा पूरा जो फैमिली है मेरी पूरी फैमिली गाती है सबको मतलब सब इंजॉय करते हैं मेरी सिस्टर मेरे डैड सब तो जीन्स में ऑटोमेटिकली आ गया एंड म्यूजिक इज़ माई थेरेपी तो आप जब गाना सुनेंगे आपको वैसे ही एक वाइब आएगी जो बंदा है अगर आप कैमरा के सामने आप मुझे वीडियो में देखेंगे आई एम नॉट एक्टिंग जो फीलिंग मेरे अंदर है अगर स्माइल है तो वही आ रही है क्योंकि लिरिक्स भी मैंने लिखे हैं तो स्माइल का मोमेंट आपको मिलेगा वहाँ पर हाँ जी मेरे सॉन्ग्स हैं आगे वही आ रहे हैं भीम से भी मेरी वही बात चल रही है वैसे ही स्वीट वाले सॉन्ग्स हैं हम लोग मैं जो चाहता हूँ पर्सनली मैं मेलोडी को वापस लेके आना चाहता हूँ जो भी रीम ने बात बोली थी कि वी आर सीइंग ऑल द पेपी नंबर्स नाउअडेज आई लव बादशाह आई लव हनी सिंह सब मुझे बहुत पसंद है पर डांस करने के लिए जब मुझे चाहिए पीस जब मुझे चाहिए थेरेपी तो मुझे एक शांत गाना चाहिए जिसको मैं देख के सुन के स्माइल करूं बिल्कुल गा सकते हैं हम लोग रीम है उसके लिए तो मैंने मतलब साथ में एनएक्ट के लिए ही गाना मुझे गाने नहीं बोलना गा सकते हैं तेरी याद सताती है जब तू दूर जाती है तेरे प्यार का नजराना आँखों से पिलाती है स्वीट सॉन्ग है बाकी आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा थैंक यू थोड़ा सा कर दो
Look here. Yeah, ma'am. Lean. Look here, ma'am. ओके और आज एक गाना भी लॉन्च है, कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? मैं सिर्फ इनको बधाई देने आया हूँ, शुभकामनाएं देने के लिए, क्योंकि म्यूज़िक लॉन्च और ये सब जो है हमने अपने ज़माने में बहुत देखे थे, लेकिन आज के ज़माने में जो ये बच्चे लोग हैं, जिसका मैं अभी बाहर से कॉन्फिडेंस देख रहा था, मैंने कहा यार हम इस उम्र में थे तो बहुत फंबल करते थे, लेकिन क्योंकि गाना अच्छा गाया तो कॉन्फिडेंस भी उतना आ गया ना। आई लव योर सॉन्ग, आई हर्ड इट, ये अभी सुनाया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस एज में, सच ए यंग एज, इज लॉन्च्ड इन अ बिग वे, सो आई विश हिम ऑल द लक बिकॉज़ ही हैज लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू। क्लब की लॉन्चिंग है आज, एक नया गाना भी लॉन्च हुआ है सर का, दोनों के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो इनके जो मामा है वो बहुत, उन्होंने बहुत प्रचार किया है, तो हम इसलिए इधर आए हैं करण कपूर। और पहले मुझे लगा ये बहुत ही यंग है, लेकिन इसकी आवाज़, मैंने हल्की सी आवाज़ सुनी, इसकी आवाज़ बहुत मैच्योर है। ऑनेस्टली आई एम नॉट फेकिंग, मैंने अभी हल्का सा सुना, सो योर वॉइस इज़ वेरी मैच्योर। और टैलेंट की कोई एज नहीं होती, वो कहाँ से उभरता है, कैसे उभरता है, यू हैव नो आइडिया। आई थिंक आई होप ही इज़ अ प्रॉमिसिंग गाय, इज़ लुकिंग नाइस एंड ही जस्ट 18, which I couldn't believe, and his voice sounds like a 25-year-old. Thank you, brother. And Cairo, इन्होंने बहुत offers के लिए बात की, मैं offer लेने जरूर आऊँगा next time. Most welcome, and we are inviting Mumbai for offers, huh? Congratulations. Thank you. Rim है या rim, rim है क्या? Rim है, correct? So I pronounce it right. So Rim to Keshav and to the Cairo gang. And Neha, my sister, she's the female singer. Neha, and to Neha. To Neha, to Keshav, to Cairo, to Reem, and to everybody for a lovely new venture, lovely new song. All the very best, and keep rocking. Thank you. Excited because very dear friend, my best friend Reem, is doing well. Marwadi. Great choice, music. I hope this brings more opportunity and more love for. I think वो जिस उम्र में इस वक्त, उनको बोलने की बहुत समझ है, उनको डिसीजन मेकिंग की बहुत समझ है। प्रॉब्लमली जो उनकी उम्र में बाकी बच्चे हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, लेकिन रीम बहुत समझदार है, उन्हें पता है कितना बोलना है। जो लाइक मुझे तो बहुत देर में समझ में आया, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, और प्रोफेशनल इतनी है, इवन जो हमारे सेट पर जितने टेक्नीशियंस हैं वो उनको रीम जी मान के बुलाते, बिकॉज शी नोज एवरी लिटिल थिंग, क्या एंगल, क्या लाइटिंग, क्या स्क्रिप्ट, क्या डायलॉग। सो She's a blessed child, and then she works hard as well. जी आई थिंक प्रॉब्लली हमारे लीड्स बहुत बहुत ही बेहतरीन है, सहबान है, रीम है, उनकी केमिस्ट्री बहुत, आई गेट टू प्ले अ नेगेटिव एंड नाउ आई एम डूइंग समथिंग एल्स ऑन द शो, प्लस हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे क्रिएटिव, ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग, प्रोडक्शन एंड आर्टिस्ट प्लस टेक्नीशियंस। सो और हमें फ्री प्लेटर देते हैं कि आप अपने कैनवस पे जो बनाना चाहें वो बनाएं, हम आपको बांधेंगे नहीं। और जहाँ पर जब बैटिंग करने का मौका मिलता है, और हमारे शहबान, रीम, पूर्वा जी हैं, बाकी जितने आर्टिस्ट हैं, मिलन जी, जितने सीनियर आर्टिस्ट, फ्रीली खेलने का मौका मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन होता है। हम लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं रोज़ जाकर एक साथ कॉम्बिनेशन सीन्स करने के, और जो भी इंडिविजुअल सीन। थैंक यू। यार द होल सोल रीज़न मी बीइंग हियर इज़ बिकॉज ऑफ रीम समीश है, और मेरी को एक्ट्रेस है, मेरी हीरोइन है मेरे शो में, फिर से आपका, और आई एम ग्लैड शी इज़ डूइंग ब्रिलियंट। और उसका ये दूसरा सॉन्ग है अभी रिसेंट, उसका एक और सॉन्ग आया था, और ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा है,
and I'm happy that she's doing such a brilliant job. She's a wonderful performer. इतनी यंग एज में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और मुझे उम्मीद है कि वो आगे ऐसे ही चलता जाएगा, सिलसिला बना रहेगा उसका. आई थिंक एक रबता जो हमारे शो से रिलेटेड है वो ऑफ स्क्रीन भी है और आप सब लोग हमारे सेट पे आते हैं, आपने देखा ही होगा हमारी केमिस्ट्री कैसी है और ऑफ स्क्रीन भी एक केमिस्ट्री है, एक बहुत क्लोज कनेक्ट है. आई हैव अ फीलिंग के शो बंद होने के बाद भी जो दोस्ती है ये बरकरार रहेगी और आई वॉन्ट टू मेनटेन दिस रिलेशनशिप विद दिस गर्ल. शी इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड एंड पूरी फैमिली अच्छी है. इनफैक्ट द फादर, इनफैक्ट द मदर जो यूजली आते हैं सेट पे, तो एक एक हम सबका आपस में, मेरा, शगुन का, रीम का, रजत का, हम सबका एक रबता हो गया है. पूर्वा का जो माइक प्ले करती है, हम सबका एक कनेक्शन हो गया, एक फैमिली बन चुकी है. तो वन ऑफ द रीज़न हम सब लोग इसलिए रीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए भी. अच्छा लगेगा बहुत. टू बी ऑनेस्ट हमारे शो में हर दूसरे तीसरे दिन एक सॉन्ग आ जाता है, मेरा और रीम का रोमांटिक सॉन्ग आ जाता है. कोई ना कोई सॉन्ग लेके वो हमारे शो में डाल देते हैं जब हमारा रोमांटिक सीन चल रहा होता है. तो इन अ वे भी एक वीक में एक सॉन्ग हम ऑलरेडी कर रहे हैं. तो हाँ, बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम टीवी शो, अपार्ट फ्रॉम सॉन्ग्स, एक एल्बम अलग से करेंगे तो इट विल बी फन. आई थिंक इन अ डिफरेंट जोन, इन अ डिफरेंट लाइट, अलग कैरेक्टर्स प्ले करेंगे प्रॉब्ली, तो मज़ा आएगा. इट विल बी डिफरेंट. वेरी हैप्पी. आज सुबह ही स्वैग सलामत भी लॉन्च हुआ है एंड नाउ इट्स रियली स्ट्रॉन्ग, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हर. या हियर इट इज, तेरी आंखें. And she is looking pretty as usual and I'm really happy for her and I'm really happy for the fact ki hum dono ka song same day pe launch hua hai. Meri preview party kal thi, iski launch party aaj hai. So yeah, I guess I would call this besties goals. Well, I guess jo log daily shoots kar rahe hain unke liye to काफी difficult hota hai as we shoot for 12 hours. बस उसके बाद अगर कोई रिहर्सल्स होते हैं, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स होते हैं, पैकअप के बाद होते हैं एंड देन वी हैव टू टेक अ डे और डेज ऑफ. एंड ये भी होता है कि उसी दिन में कंप्लीट करना होता है हमें, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास एज हमें अपने शो के लिए भी शूट करना होता है. सो इट इज़ अ बिट हेक्टिक, इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, बट जब वो फ्रूटफुल होता है तो सारी थकान खुद ही निकल जाती है. मैनेज ऐसे होता है कि जैसा मेरा डांस वाला सॉन्ग था स्वैग सलामत, सो उसके लिए आई यूज़ टू गो फॉर रिहर्सल्स आफ्टर माई पैकअप, टू 12 आवर्स शूट करके फिर पैकअप के बाद जाकर आई यूज़ टू रिहर्स. तो दो दिन रिहर्स किया मैंने, उसके बाद 30 वी वर ऑन फ्लोर शूटिंग. एंड मेरी गलती भी, हमने दुबई में शूट किया था जो अभी 3 नवंबर को आने वाला है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. उस दिन हसनैन का बर्थडे भी है. So it's gonna be like a double celebration and I'm really looking forward to it as it's gonna be my first project with Ramji sir. So I'm super duper excited. Ramji sir, what's the trending ki aa raha hai uska song event ye bhi trending mein jayega kyunki aapne kiya hua hai, bol sakte hai ki kis tarah ka song to fingers crossed trending mein jayega and we're all hoping for the best ki hamari hard work pay off ho. Jaise aap gaane ke naam se hi thoda make out kar sakte hain, it's a sad song. स्टोरी होने वाली है इसमें, दैट्स फीचरिंग मी एंड हसनैन. इट्स बीन संग बाय अंबेली दी, अंबेली मेनन, एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर, अ सोलफुल सिंगर. तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि ये जो स्टोरी है एंड मेरा जो हसनैन का पैर भी है, दिस इज़ क्वाइट फ्रेश. किसी ने इमेजिन नहीं किया था, हम दोनों ने भी इमेजिन नहीं किया था, बिकॉज वी मेट ईच अदर ऑन द शूट ओनली, उससे पहले कभी मिले भी नहीं है. बट टच वुड, केमिस्ट्री अच्छी आई है, बिकॉज आई गेस I would say this is our acting talent, both of us acting talent. Ki chemistry kafi achhi aayi hai, maine dekha hai video and I'm sure aap logo ko bhi bahut pasand aayega when it releases on 3rd November. Thank you. Mam, saath mein hum bol sakte hain aapko ki cutting, kya kehna chahenge?
बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत प्यार दे रहे हैं। एंड आई थिंक दिस ईयर टचड बाय गॉड्स ग्रेस हमारे जितने भी गाने थे नंबर वन पे आए। एंड बाकी ऑल अदर सॉन्ग्स ऑल्सो जो हमने नहीं किए वीडियो किए वो भी ट्रेंडिंग पे थे, भले नंबर वन नहीं थे, बट फोर सॉन्ग्स दिस ईयर बीन नंबर वन। एंड आई प्रे कि ये वापस 3 तारीख को आ रहा है सूर के साथ, मेरी गलती, वो फिर से आप उसको प्यार दें। एंड एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन ट्रेंडिंग, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के दिल पे ट्रेंड करें, लोग गाने से प्यार करें, हम सबसे प्यार करें, वही सबसे बड़ी ट्रेंडिंग, वही सबसे बड़ा अवार्ड और वही सब कुछ है हमारे लिए। जब तक लोग दिल से प्यार ना करेंगे, दिल पे ट्रेंडिंग नहीं जाएगी, तो वो ट्रेंडिंग पे भी नहीं आएगी। ये बात सही है। यस यस यस, दिस इज बहुत अच्छा लग रहा है कि सब इतना प्यार दे रहे हैं और एवरी डे द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, लोग इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं, इतने सारे टिकटॉक्स बना रहे हैं। एंड वी वर शॉक्ड कि हमें मेरी गलती के टीज़र पे एक दिन पे यू नो वी हैव मोर देन 1 मिलियन व्यूवर्स, जो एक टीज़र पे बहुत ही बड़ा नंबर है और इतना एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग हमें प्यार दे रहे हैं, सो बहुत अच्छा लगा। बोल सकते हैं कि जन्नत और फैजू की फेवरेट जोड़ी है आपके इस पे, अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अवनीत के साथ में, आप तो किसके साथ में? अश्नूर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, शी इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग एक्ट्रेस एंड आई लव वर्किंग विद हर। और ये इतनी डेडिकेटेड डेडिकेशन से काम करते हैं, यू सी शी डूइंग पटियाला वेव्स 12 की शिफ्ट पे, तो भी इन्होंने हाथ झुकाना कि स्वैग सलामत, शी पुट हर हार्ट आउट इनटू इट, शी इज़ लुकिंग फैबुलस, शी इज़ डांसिंग विद एक्सप्रेशन, शी इज़ पेपी बबली, शी इज़ एन ओवरऑल पैकेज। और मेरी गलती में आप इनका एक दूसरा अवतार देखेंगे, जो आपने टीजर में देखा उसे समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट द स्टोरी लुक्स लाइक। तो आई थिंक अश्नूर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ट्रेंड फॉर म्यूजिक वीडियोस। क्या मैं समझ, क्या प्रॉब्लम? दुबई में इट्स रियली रियली हॉट, जो आप हमारे वीडियोस देखते हैं जो हम इस सीजन में करके आए हैं, जो आप खड़े नहीं हो पाओगे उस गर्मी में, और उस गर्मी में ये एक्टर्स हमारे साथ शूट करते हैं, सो हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी टू शॉट विद अस। No, no, I would want to say not only us, but this was my first project with Ramji sir, and he was so caring throughout. We actually didn't feel जैसे हम पहली बार काम कर रहे हैं साथ में, it actually felt like a family working with him, and he's really caring towards his actors, towards his entire team. So I had a great time working, and I hope जितना हमने hard work किया है, चाहे गर्मी में किया हो, जैसे भी किया हो, दौड़ भाग की जैसे भी किया हो हमने, I hope आप लोग उतना ही प्यार दें, so it'll be all good. अश्नूर, आपके outfit के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? So I'm wearing Meraki Couture and I've been styled by Shrishti Mundra, and I'm totally party ready, dressed in black today with my hair tied up because I'm ready to dance. Okay, thank you. जब से राब्ता शुरू हुआ था, मैं उसको जानती हूँ, एंड मेक अ ब्लेसर, शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर, एंड आई थिंक अच्छा कर ही रही है, एंड आगे भी बहुत अच्छा करें। बस यही है, आजकल इतने सारे सॉन्ग्स निकल रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया, आप देख रहे हो कि इतनी सारी इंडिपेंडेंट कंपनीज नए नए सिंगल्स निकाल रही है इन सब फेमस लोगों को लेके, तो बहुत अच्छा है, सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, तो अच्छी चीज़ है। एंड आई लव सिंगल्स यार इन जनरल, मतलब पूरी एल्बम लगा के अब कौन ही सुनता है, सो आई थिंक जो सिंगल पसंद आता है वो ऑन लूप चलता रहता है, व्हिच इज वेरी गुड थिंग। अगर आपको चांस मिले आई थिंक मैंने किया है करण के साथ सॉन्ग खेला, आई लव सैड सॉन्ग्स ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बहुत पसंद है सैड रोमांटिक सॉन्ग्स एंड रोमांटिक सॉन्ग्स बेसिकली, सो आई थिंक अदिति रोती बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी रोने वाला सीन बहुत अच्छे से करती है। यस, एंड देन अभी पंजाबी मैंने एक और सॉन्ग किया था नान आरनेत के साथ, तो आई थिंक डांस भी मैंने ट्राई कर लिया, सो आई थिंक मुझे सब टाइप के चलते हैं, बट आई लव रोमांटिक पर्सनली। वेब सीरीज का अभी तो टाइम नहीं है, बट श्योर इन फ्यूचर, हाल फिलहाल मेरा ध्यान पूरा कि पूरा ये जादू है जिनका पे ही है, एंड टाइम मिलेगा तो ज़रूर वेब सीरीज मूवीज, आगे फ्यूचर बहुत बड़ा है, सो लेट्स सी। थैंक यू। वन जनरल सेंटर लुक मैम, मैम लुकिंग
अरे पानी